It's the time to get rejuvenated by experiencing a mesmerizing musical event, Geetanjali, a musical tribute to Kulpati Dr. K.M. Munshi, founder Bharatiya Vidya Bhavan. I request Shri Prashant Ukalkar sir to kindly lead us to the journey of Kulpati Dr. K.M. Munshi ji through a musical concord. Namagya samasta shrutaon ko sadar savinay pranipat. प्रातः काल से अपराह्न काल का संयोग करा देने वाली इस मंगलमय संधि काल की बेला में मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, स्वागतम सुस्वागतम। सुप्रिय श्रोताओं, कल कल की ध्वनि करते हुए निरंतर बहती हुई सरिता अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती है, उसका वह अमृत तुल्य जल दूसरों को नव जीवन प्रदान करता है। हरे भरे घने वृक्ष अपने फल स्वयं कभी नहीं खाते हैं, वे अपने फल दूसरों को प्रदान कर उनके जीवन में मधुर रस का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार कुछ असाधारण व्यक्तित्व होते हैं जो अपने तन मन और धन को परोपकार के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ऐसे ही एक महान व्यक्ति का स्मरण करने के लिए, आदरांजलि के साथ अपने मन के भावों की कलियां उनके चरणों में अर्पित करने के लिए, जिनका नाम लेने से प्रत्यक्ष ईश्वर का स्मरण हो जाता है, जिनकी वाणी में मां सरस्वती का वास है, जिनके सादगी पूर्ण तथा शालीन आचरण में अनेकों संतों की छाया है, वे अनन्य साधारण व्यक्ति कोई और नहीं है। वे अपनी ही भारतीय विद्या भवन संस्था के संस्थापक परम आदरणीय माननीय कुलपति श्री कन्हैयालाल जी मुंशी हैं। वैसे तो भारत मां ने अनेकों नर रत्नों को जन्म देकर अलंकृत किया है, लेकिन आदरणीय मुंशी जी उन महान व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने जन्म को सार्थक बनाकर भारत मां को अलंकृत किया है। 1887 को गुजरात में जन्मे परम आदरणीय मुंशी जी बाल्यकाल से ही अत्यंत सहृदयी व्यक्ति थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपनी मां की धार्मिक गीतों और कथाओं से हुई। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उनकी पीड़ा दूर करना इनके स्वभाव की महती विशेषता थी। उनकी इन्हीं विशेषताओं को अपनाने के लिए आइए सुनते हैं संत नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया गुजराती भजन, जो न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अत्यधिक प्रिय था बल्कि आदरणीय मुंशी जी को भी अत्यधिक प्रिय था। तो प्रस्तुत है, मनुष्यों के लिए उत्तम आदर्श और वृत्ति क्या हो इस बात का संदेश देने वाला भजन, वैष्णव जन तो तेने कही है। Yeah.
करे तो ये मन अभिमान न आने रे। ये वो परम उदात्त भावना है जो साधारण इंसान को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बना देती है। श्रोताओं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सभी के आराध्य हैं, वैसे ही वे आदरणीय मुंशी जी की भी आराध्य रहे हैं। आप घनश्याम व्यास के नाम से भी जाने जाते थे। आदरणीय मुंशी जी के बचपन की बात करें तो वे स्वयं लिखते हैं कि जब मैं नन्हा सा बालक था तब मैं राम और श्री कृष्ण के पराक्रम की गौरव गाथाएं सुना करता था। बाद में इनके विषय में लिखे हुए ग्रंथ पढ़े, इनके विषय में पदों का गान किया, अनेकों मंदिरों में इनकी पूजा की और प्रत्येक जन्माष्टमी को घर के आंगन में मैंने इन्हें अर्घ्य दिया। वे लिखते हैं, दिन प्रतिदिन वर्ष प्रतिवर्ष इनका संदेश मेरे जीवन की एक प्रबल प्रेरणादायिनी शक्ति बनता चला गया। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने उदात्त आचरण से आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पिता तथा आदर्श राजा कैसा होना चाहिए इसके नए मानदंड स्थापित किए हैं। तो आइए मन में श्रद्धा के फूल और भक्ति की लहरें जगाए, श्री राम जी की भक्ति में सराबोर हो जाए। प्रस्तुत है भजन रघुपति राघव राजा राम और सूरज की गर्मी से।
प्रभु श्री राम के संस्कारों में छाया में पलते पलते बालक मुंशी जी अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे, और इसी समय अंग्रेजों द्वारा गरीबों पर किए जाने वाले अत्याचारों से उनका मन उद्वेलित हो उठा। तड़पते हुए इंसान, उजड़ती हुई बस्तियां, बर्बादियों का समा उनसे देखा नहीं गया। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनकी अंतरात्मा उन्हें पुकार रही थी। फलस्वरूप इन हालातों को बदलने के लिए करुणा के सागर, कृपालु मन वाले मुंशी जी दीन जनों के आधार बने। जिनके दिलों में नफरत का जहर भरा हो उन्हें भी प्यार का सबक सिखाने की प्रार्थना करने लग गए। श्रोताओं, यदि मुंशी जी जैसी सहृदयता हम सभी के मन में उत्पन्न हो जाए तो विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आप को निस्सहाय और अकेला महसूस नहीं करेगा। तो आइए हम सब मिलके रब से दुआ मांगे, जीवन में सुख चाहे और चाहत में वफा मांगे। प्रस्तुत है गीत एक तू ही भरोसा।
दर्शन तुझसे काटो भरी दुनिया, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर अल्लाह ले दाता, प्रिय श्रोताओं, काल चक्र का पहिया घूमता रहा। अब आदरणीय मुंशी जी किशोर से युवा बन गए, उनके विचारों में भी प्रगल्भता आई, वे अब सार्वजनिक कार्यों में भी रुचि लेने लगे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। बारदोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा नमक सत्याग्रह में भी वे शामिल हुए। समाज सेवा करते हुए उन्होंने हमेशा अधिकारों के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान दिया। गीता के इस उपदेश को कि न मे कर्म फले स्पृहा, अर्थात मैं कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। और इसीलिए समाज से मुझे क्या मिल रहा है, इस स्थान पर मैंने समाज के लिए क्या अर्पण किया है, वे इसी का विचार करते थे। एक आंतरिक शक्ति उन्हें निरंतर खुशियां बांटने के लिए प्रेरित करती थी। उनके ये सहृदयता, परोपकार, विनम्रता आदि सिद्धांत हम सभी के लिए भी अनुकरणीय हैं। और उनके इन्हीं विचारों की शिक्षा देने वाला एक प्रेरक गीत अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गीत के बोल हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। Hey!
श्रोताओं, संगीत हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालते हुए मन की थकान, अशांति तथा अवसाद को दूर कर देता है। मन को आह्लादित और उल्लसित करते हुए शरीर में चैतन्य का संचार कर देता है। भाव विभोर कर देने वाले इन कर्ण मधुर और स्वर संपन्न गीतों का श्रवण करते हुए अब चलते हैं गायन कला से वादन कला की ओर। यह मैं बात कर रहा हूँ तबला वादन की, जो लय युक्त संगीत को तालबद्ध कर मनोरंजक कर देता है। तबला अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है, जिसकी अपनी एक अलग भाषा है। तो आप तन की आंखों को बंद कीजिए और मन की आंखों को खोलिए और एक रूप हो जाइए इस प्रस्तुति में, जो दृश्यमान जगत को भी अदृश्य कर देने की सामर्थ्य रखता है। प्रस्तुत है तबला वादन।
करतल वादन की ध्वनि बता रही है कि तबले की ताल रूप इस ध्वनि ने हम सभी को निशब्द किया है। तबला वादन की इस ध्वनि ने आपके हृदय की तारों को झंकृत कर दिया और उधर आदरणीय मुंशी जी के हृदय की तारों को झंकृत किया था अन्याय पीड़ित जनता की पुकार ने, और उसीलिए वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बने। मुंशी जी ने अनेकों सत्याग्रहों में भाग लिया जिस कारण से इन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया, किंतु वहां भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ईश्वर और अपने आप पर भरोसा रखते हुए उन्होंने हर विकट परिस्थिति से अपने आप को उबारा, अपने संकल्पों और विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। उनकी ये सोच थी कि जब जुल्मों का सामना हो या लोग हमारी बुराई करें तब भी हमें भलाई का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों द्वारा नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना की। आइए उन्हीं नैतिक मूल्यों को समझकर हमेशा नेकी की राह पर चलने का संकल्प दिलाने वाला एक गीत अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गीत के बोल हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम।
प्रिय श्रोताओं, नेकी पर चले और बदी से टले, बस यही वो शिक्षा है जो हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अरे श्रोताओं, आदरणीय मुंशी जी न केवल बुद्धिमान ही थे, अपितु वे आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक विचारों से भी परिपूर्ण थे। अपने आदर्श विचारों के कारण वे गुजराती तथा हिंदी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार बन गए। भगवान कृष्ण के प्रति उनके मन में अपार भक्ति थी, और संयोग की बात है कि उनके कन्हैया नाम में भी भगवान कृष्ण की झलक दिखती है। आपने श्री कृष्ण चरित्र को बताते हुए 8 खंडों वाला कृष्णावतार नामक उपन्यास लिखा। भगवान श्री कृष्ण के बहुविध व्यक्तित्व को आधुनिक उपन्यास में बांधने का यह श्रेय आदरणीय मुंशी जी को प्राप्त है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि इसमें श्रीमद् भागवत गीता की अलौकिक घटनाओं को 20वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक रूप से और विश्वासोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस रचना द्वारा आदरणीय मुंशी जी की भक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों बातें समान रूप से उभर कर सामने आई है। बंसी की धुन नामक प्रथम खंड के प्राकथन में आप स्वयं लिखते हैं कि मैं श्री कृष्ण को अवतार मानता हूं और गीता के गायक को जगत गुरु। तो आइए अब शरण लेते हैं हम सभी की उलझनों को सुलझाने वाले, निर्गुण और न्यारे, प्रेरणादायिनी शक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की। तो श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण भजन आपके सामने प्रस्तुत है, ओ पालनहारे। Oh,
प्रिय श्रोताओं, जीवन में उलझने आती रहती हैं और हमें स्वयं उसे सुलझाने का प्रयास करना पड़ता है। हम जानते हैं कि जीवन में परिस्थिति सदैव एक समान नहीं रहती है। आदरणीय मुंशी जी के जीवन में भी कई बार मुश्किलें आई, तथापि उन्होंने परिस्थितियों को ढाल बनाने के स्थान पर उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जैसे सोना अग्नि में तपकर और भी निखरता है, उसी प्रकार इन्होंने भी अपने विश्वास को हमेशा बुलंद रखा और परिस्थितियों से दो हाथ करने की सीख दी। अब आपके सामने प्रस्तुत है ऐसा गीत जो मुश्किल घड़ी में भी आत्मविश्वास को बुलंद रखने की प्रेरणा देता है। गीत के बोल हैं, ये मत कहो खुदा से। मुश्किलों से लड़ने के लिए आवश्यकता होती है आत्मविश्वास की। जब कोई शिष्य अपने आप को संपूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित कर देता है, तो वह शिष्य भी बहुमुखी प्रतिभा का धनी बन जाता है। ऐसे ही थे परम आदरणीय मुंशी जी, जो गुरुओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण से विद्वत जनों के शिरोमणि बन गए। बड़ौदा कॉलेज में पढ़ते हुए अरविंद घोष अर्थात महर्षि अरविंद जैसे क्रांतिकारी प्राध्यापकों से शिक्षा पाकर उन्होंने वकालत शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में सर्वश्रेष्ठ कानूनविद अर्थात वकील बने। गुरुओं के प्रति समर्पण में ही छात्रों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु की मेहरबानी हो तो पामर भी भगवान बन जाता है। बस उनके इन्हीं विचारों को उजागर करते हुए अब प्रस्तुत है गीत, तेरी है जमीन। Come on.
प्रिय श्रोताओं, जननी और जन्मभूमि सभी को वंदनीय तथा प्राण प्रिय होती है। मुझे याद आ रहा है रामायण का एक प्रसंग, जब विभीषण के कहने पर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से पूछते हैं कि भैया, क्या आप इस स्वर्णपुरी का, इस लंका का राजा बनना पसंद करोगे? तो एक क्षण का भी विलंब किए श्री राम तुरंत उत्तर देते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात, हे लक्ष्मण, भले ये लंका सोने की बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मुझे ये सुहाती नहीं है, मुझे तो भाती है जननी और जन्मभूमि, जो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और प्रभु श्री राम की इस निस्पृहता, इसी ने आदर्श राम राज्य की नींव डाली। उन्हीं की यह चीजें हमें बताती हैं कि राज्यकर्ता कैसा होना चाहिए। इधर काल प्रवाह में आदरणीय मुंशी जी प्रसिद्ध राजनेता बन गए। वे बॉम्बे स्टेट के गृह मंत्री बने, हैदराबाद राज्य के एजेंट जनरल तथा संविधान निर्माण हेतु गठित समिति के सम्माननीय सदस्य बने। आप कृषि मंत्री तथा खाद्य मंत्री भी रहे, वे केंद्रीय मंत्री, कुलपति और राज्यपाल भी रहे, किंतु इन सभी पदों पर आसीन होते हुए भी उन्होंने भारत माँ की सेवा करने का लक्ष्य सर्वोपरि रखा। भारत माता के सच्चे सुपुत्र बनकर उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय विद्या भवन संस्था की स्थापना की। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़कर उनके सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दे पा रहे हैं। किंतु इसके लिए सच्चा राष्ट्र प्रेम और माँ भारत माँ की सेवा करने का भाव हम सभी के मन में उतरे, यह परम आवश्यक है। तो आइए, अब प्रस्तुत है मातृभूमि के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाला एक गीत, जिसे स्वयं स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने शब्दबद्ध किया है। गीत के बोल हैं, जयोस्तुते। Bye.
सभी मिलाकर ट्रिब्यूट करते हैं हमारी भारत माता के लिए, भारत माता की, भारत माता के प्रति समर्पण के साथ साथ काल का प्रवाह बहता चला गया, भला काल को कौन रोक सकता है। और श्रोताओं, आज ही के दिन अर्थात 8 फरवरी 1971 को आदरणीय मुंशी जी परलोक सिधार गए, लेकिन जाते जाते उनके क्रांतिकारी विचार और उन्हीं विचारों पर खड़ा भारतीय विद्या भवन हम सबके लिए विरासत में छोड़ गए हैं। श्रोताओं, मुंशी जी भारतीय संस्कृति को जड़ वस्तु नहीं अपितु चिंतन का एक सतत प्रवाह मानते थे। वे इस विचार के पोषक थे कि हम अपनी जड़ों के साथ जुड़कर विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करें। द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली अर्थात वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति की विश्व को एक ऐसी अनूठी देन है जो विश्व के समस्त देशों को एक साथ जोड़े रखती है। आपने G15 इकोनॉमिक ग्रुपिंग, G20 सम्मेलन इस विषय में बहुत कुछ देखा और सुना होगा, जहां कुछ एक देश मिलकर विकास की बातें और योजनाएं बनाते हैं। ये तो हुई आजकल की बात, किंतु आदरणीय मुंशी जी ने दशकों पहले ही वसुधैव कुटुंबकम का पुरस्कार किया था, जिससे उनकी दूरदर्शिता स्वयं सिद्ध हो जाती है। वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसी विचारधारा है जो केवल कुछ एक देश नहीं अपितु विश्व के सभी देशों के विकास को बल देती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इस भावना का पुरस्कार करते हुए केवल मानव नहीं बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना करती हैं। आइए अब अंतिम प्रस्तुति के रूप में इसी विचारधारा को स्वीकार करते हुए एक सुर में विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रस्तुत है मंगलमय प्रार्थना, हीच अमुची प्रार्थना अन हेच अमुचे मागणे। Yeah.
प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार गीतांजलि पवित्र भावनाओं द्वारा आदरांजलि इस कार्यक्रम द्वारा हमने आदरणीय मुंशी जी के बाल्यकाल से लेकर स्वर्गारोहण तक उनके व्यक्तित्व के हर पहलू को छूते हुए उन्हें और उनके सिद्धांतों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। हमने जाना कि आप रचनात्मक लेखक थे, संविधान निर्माता थे, स्वतंत्रता सेनानी, कर्मयोगी, साहसी, दार्शनिक, कुशल प्रशासक तथा संगठन निर्माता भी थे। आपके लेखन में प्रेम, त्याग और बलिदान के उच्च आदर्श मौजूद हैं। आप निष्ठा, प्रतिबद्धता और साधना की मिसाल हैं। आपके विषय में श्री आर वेंकट रमन जी कहते हैं कि भारत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आकाश गंगा में आदरणीय मुंशी जी एक चमकता सितारा हैं, जो आज भी मानवता को कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं। देश के लिए उनके देखे सपनों की आकांक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए आदरणीय मुंशी जी आज भी प्रासंगिक हैं। वे अपनी सर्जना और विचारों के साथ आज के संघर्षों और चुनौतियों के भी मार्गदर्शक हैं। प्यारे छात्रों, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भारतीय विद्या भवन में पढ़कर भारतीय संस्कृति के उन उच्चतम मूल्यों को ग्रहण कर रहे हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने में परम सहायक नहीं बल्कि अनिवार्य है और जिन्हें पाने के लिए विश्व के अन्य देश भारत की शरण में आ रहे हैं। मेरे प्रिय अध्यापकों, न केवल अध्यापक वर्ग अपितु यहां उपस्थित हम सभी को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम सभी उस भारतीय भवन का हिस्सा हैं जो आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जीवंत प्रतीक है। श्रोताओं, गीतांजलि के इस कार्यक्रम द्वारा हमने जाना कि आदरणीय मुंशी जी के विचारों में सच्चाई थी, वे त्याग और समर्पण की भावना थे, लोकप्रिय जननायक थे, दया प्रेम के सागर थे, जन जन के हितैषी थे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुंशी जी का व्यक्तित्व गुणों का सागर है। उस अगाध समुद्र से यदि एक एक गुणों की बूंद भी हम अपने जीवन में उतारते हैं तो यही उनके प्रति सर्वोत्कृष्ट और वास्तविक आदरांजलि होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।